उधर अताउल्लाह तारड़ का नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बयान, प्लेटलेट्स की मिकदार 6,000 की तश्वीशनाक सतह तक गिर चुकी है। अताउल्लाह तारड़ ने ये दावा किया है। मेडिकल रिपोर्ट्स और आरजे की तफसील बैरून मुल्क माहिरीन को भिजवा दी है अताउल्लाह तारड़ का ऐसा कहना है। मजीद कहते हैं, नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से पूरी कौम को तश्वीश है। हमें अंदाजा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से पूरी कौम तशवीश में मुब्तला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के खून में प्लेटलेट्स की मकदार फिर से 6,000 की तशवीशनाक सतह तक गिर चुकी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाहक आरजे की तशखीस के लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। मेडिकल बोर्ड ने मियां नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने के बाद जो अद्वियात और इंजेक्शन तजवीज़ किए थे वो इन्हें दिए जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स और इनकी मेडिकल कंडीशन और आरजे की तफसीलात बैरून मुल्क डॉक्टर्स और तिब्बी माहरीन को भिजवा दी गई हैं। शरीफ ख़ानदान और सदर जमात मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से कौम से दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ को जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। अताउल्लाह तारड़ की जानिब से क्या कहा गया वो आपने मुलाहिजा किया। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान और शहबाज शरीफ ने कौम से दुआ की भी अपील की है। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से पूरी कौम को तशवीश है। उनका मजीद कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट्स और आरजे की तफसील बैरून मुल्क माहिरीन को भिजवा दी गई है।